नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज़। दोस्तों, हमारे जीवन में मौन धारणा का महत्व क्यों है? मौन धारण क्योंकि करना जरूरी है। आज इसी के बारे में हम बातें करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। काम क्रोध आदि भावनाओं तथा बोलने आदि का त्याग करना मौन है। उस अवस्था में शब्द संकेत या बातचीत को सुनकर हाँ हाँ हूँ हूँ जैसे स्वीकृति, निषेध, प्रसन्नता, क्रोध, दुख आदि के सूचक शब्दों का उच्चारण या संकेतों का अभिव्यक्ति है। ऐसा बन जाना मानो नेत्रों से कोई भी दृश्य दिखता नहीं या देखना नहीं है, कानों से ऐसा कोई भी शब्द न सुनना या ऐसा बन जाना कि सुनाई न दे और मन में सुख दुख, क्रोध, हर्ष आदि का कोई भाव न आने देना ही मौन धारणा है। योग शास्त्र के अंतर्गत यम के द्वादश भेदों में मौन का भी उल्लेख है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वाणी को शुद्ध होना परम आवश्यक है। मौन से वाणी नियंत्रित एवं शुद्ध होती है, इसलिए हमारे शास्त्रों में मौन का विधान बनाया गया है। ऋषि मुनि या चिंतक मौन रहकर ही मनन चिंतन करते हैं, इससे उनकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। मौन होकर कार्य करने से ज्ञानेंद्रिया व कामेंद्रिया एकाग्र होती है और कार्य सुचारू रूप से होता है। विभिन्न पूजा अनुष्ठानों में भी मौन रहकर कार्य करने का विधान है। मौन की महिमा अपार है। मौन से क्रोध का दमन, वाणी में नियंत्रण, शरीर बल, संकल्प बल एवं आत्मबल में भारी वृद्धि होती है। मन को शांति तथा मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और ऊर्जा का क्षरण रुकता है। इसलिए मौन को व्रत की संज्ञा दी गई है। मौन के संबंध में महाभारत में एक कथा है। जब महाभारत का अंतिम श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा बोला गया और गणेश जी द्वारा भोजपत्र पर लिखा जा चुका, तब महर्षि व्यास ने कहा, विघ्नेश्वर, धन है आपकी लेखनी। महाभारत सृजन तो वस्तुतः परमात्मा ने किया है, पर एक बात आपकी लेखनी से भी अधिक विषयकारी है, वह है आपका मौन। इस अवधि में मैंने तो 15-20 लाख शब्द बोल डाले, परंतु आपके मुख से मैंने एक भी शब्द नहीं सुना। इस पर गणेश जी ने मौन की व्याख्या करते हुए कहा, वद नारायण किसी दीपक से अधिक तेज होता है और किसी में कम। इसका मतलब है कि उसी प्रकार देव, मानव और दानव आदि जितने भी तनधारी जीव हैं, उनमें संयम का प्रथम सोपान है वाक्य संयम। जो वाणी का संयम नहीं रखता, उसके अनावश्यक शब्द प्राण शक्ति को सोख डालते हैं। वाक्य संयम से यह समस्त अनर्थ परंपरा दग्ध बीज हो जाती है, इसलिए मैं मौन का उपासक हूँ। इस प्रकार के आंदोलनों से मन को मुक्त रखना उत्तम प्रकार का तप है। प्रतिदिन ऐसे करके व्यक्ति उत्तेजक स्थिति में भी मानसिक शांति का आनंद निरंतर लेते रह सकता है। मौन के अभ्यास के दो रूप हैं, एक वाणी का मौन और मन का मौन। मानसिक मौन के अभाव में वाणी का मौन
प्रशस्त नहीं है अर्थात व्यर्थ है। एक घंटा शारीरिक श्रम करने में शरीर की जितनी ऊर्जा नष्ट होती है उससे कई गुना ऊर्जा एक घंटा बोलने में नष्ट हो जाती है। हम यह भी जानते हैं कि शरीर के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने के लिए ऊर्जा का बहुत महत्व है। यही विचार करके हमारे पूर्वज ऋषियों मुनियों ने अनेक अनुष्ठान व्रत पर्व पूजा आदि में कुछ निश्चित अवधि तक व्रती को मौन रहने का निर्देश दिया है जिससे वह अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हुए समस्त अनुष्ठान आदि कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। मौन धारणा में बहुत शक्ति है। मौन रहने वाले व्यक्ति में सहनशीलता की अत्यधिक वृद्धि होती है। जिसके भीतर सहनशीलता है उसे क्रोध नहीं आएगा। जिसे क्रोध नहीं आएगा वह विवेक संपन्न होगा और विवेक संपन्न व्यक्ति जीवन में सदा ही सफल होता है। तो दोस्तों आपको भी मौन धारण कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर करनी चाहिए। अगर आज की प्रस्तुति आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, नीचे अपना बहुमूल्य सुझाव देना बिल्कुल नहीं भूलें। तो बने रहें अपना लाइव न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।